हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोटरसाइकिल रैली निकालकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का किया आह्वान। जिला मुख्यालय पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शनिवार को जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से मोटरसाइकिल रैली निकालकर आमजन को हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संदेश दिया गया। जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हॉल से शनिवार प्रातः 8 बजे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई ने मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी कर रवाना किया। उन्होंने आमजन से आगामी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। इस दौरान तहसीलदार प्रेम सिंह, बाड़मेर पुलिस उप अधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक यातायात दीपक कुमार, परियोजना अधिकारी लेखा जियाराम, अधिशासी अभियंता भेराराम बिश्नोई, साथ ही विकास अधिकारी सुरेश कविया, कोतवाल उगम राज सोनी, संचित निरीक्षक लील सिंह भाटी, ओम जोशी, सहायक अभियंता राजेंद्र सिंह, सहायक निदेशक पुखरा सारण, चंद्रशेखर पुरोहित समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। तिरंगा रैली स्टेशन रोड, अहिंसा चौराहा एवं सिंदरी चौराहे होते हुए वापस भगवान महावीर टाउन हॉल पहुंची। तिरंगा रैली में पुलिस विभाग के जवानों के साथ विभिन्न सरकारी कार्मिक एवं आम जन शामिल हुए। देशभक्ति गीतों के साथ मोटरसाइकिल पर तिरंगा थामे पुलिस के जवानों एवं अन्य लोगों ने आमजन से आगामी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया। तिरंगा यात्रा को लेकर आमजन में खासा उत्साह देखा गया। हर घर तिरंगा अभियान के प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि बाड़मेर जिले में देशभक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत 7 अगस्त को महिला एवं बाल विकास विभाग राजीव का जिला उद्योग केंद्र रसद विभाग की ओर से तिरंगे की थीम पर बंधेज, मिठाई, कशीदाकारी, वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। उनके मुताबिक 8 अगस्त शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के मध्य चित्रकला निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इसी तरह कॉलेज शिक्षा संस्थानों की ओर से 9 अगस्त को विद्यार्थियों के मध्य स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों पर चर्चा, 10 को झंडे के प्रतीकों एवं ध्वजा संहिता पर विचार विमर्श, देश की रक्षा का वादा थीम पर आधारित कार्यक्रम होगा। इस दौरान सरहदी इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को राखियां बांधी जाएगी। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को आदर्श स्टेडियम में सामूहिक देशभक्ति गीतों का गायन होगा। इसके उपरांत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।